हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो 12th का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, और सॉल्यूशन में हम लोग एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं, काफ़ी पहले पढ़ाया था, इसलिए हम लोग इसको रैपिड रिवाइज करके फिर सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन में बताया था कि सॉल्यूशन होता क्या है। कहा था, इफ़ टू आर मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर देन द फार मिक्सचर इज नोन एज सोल्यूशन। ये आपको हम लोग पहले बता चुके हैं। या कहते हैं इफ़ टू आर मोर देन टू, देखिए सिंपली ये कहेंगे सोल्यूट या सॉल्वेंट का मिक्सचर जो होता है सोल्यूशन कहलाता है। और देखिए, सोल्यूशन के दो टाइप बताया था, याद करिएगा, पीछे हम लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ाना हो पीछे पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी यहाँ रिवाइज करा रहे हैं। एक होमोजिनस और एक हेट्रोजिनस। होमोजिनस सोल्यूशन को हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहते थे, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल या सस्पेंशन पढ़ते करते थे, ठीक है। और देखिए, मेन जो यहाँ पर पढ़ना है होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते थे। और याद करिए, हमने पीछे पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ ऑफ नाइन टाइप। कितने टाइप के होते हैं? नाइन टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? सॉलिड होगा, इसीलिए इसका नाम सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल देखिए, हम लोगों ने बता दिया था, सॉलिड इन सॉलिड का एलाय है, लिक्विड इन सॉलिड का आल हाइड्रेटेड सॉल्ट है, गैस इन सॉलिड का हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम है। लिक्विड सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इसको हम लोग आगे बताया था आपको, और ये पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़ा चुके हैं। गैसेस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा, सॉलिड इन गैस जैसे आयोडीन इन एयर हो गया, लिक्विड इन गैस जैसे ह्यूमस इन एयर हो गया, गैस इन गैस बहुत सारी गैस हैं जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस इन एयर हो गया। तो चलिए सेकंड पेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये अभी हम लोग पिछले लेक्चर का ही रिवाइज करा रहे हैं और अभी नया नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन उधर बताया था, हमने कहा था टोटल नाइन टाइप होंगे, सिक्स आपने पढ़ लिया था, थ्री इसमें होंगे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस लिक्विड। यानी इन सब में देखिएगा सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है, और सॉल्यूट लगातार बदल रहा है। सॉलिड इन लिक्विड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये आगे चलकर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लिक्विड इन लिक्विड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाना है आज। गैस इन लिक्विड आगे चलकर पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ये रैपिड रिवाइज करा रहे हैं जिससे आप चैप्टर को कनेक्ट कर सकें। लिक्विड इन लिक्विड को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पीछे बताई थी। और लिक्विड इन लिक्विड में ऐसा हो सकता है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, मिसेबल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर पार्शली मिसेबल हो तो बताइएगा उसको, अगर पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो तो पार्शली मिसेबल कहेंगे, और बिल्कुल ना मिले जैसे ऑयल वाटर में होता है वो इमिसेबल। ये दोनों इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ेंगे। जबकि मिसबिल का एक केस हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी फर्स्ट नंबर लेक्चर में पढ़ लिया था, वो था आइडियल सॉल्यूशन, और दो केस और पढ़ना होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो मिसबिल के तीन केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड और केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट में आइडियल सॉल्यूशन और केस नंबर सेकेंड और थर्ड में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, ये भी आपको हमने पिछले डे बता दिया था, मतलब कि आपको फर्स्ट लेक्चर बता दिया था, आइडियल सॉल्यूशन यानी लिक्विड इन लिक्विड का मिक्सचर बताया था, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन बताए गए थे। याद करिएगा, आइडियल सॉल्यूशन केस में जो एक लिक्विड होगा, दूसरा लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एफ ए ए और एफ बी बी इक्वल टू क्या होगा? एफ ए बी, यानी सिमिलर और डिससिमिलर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? यहां पर सेम होगा। और देखिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, ना तो वॉल्यूम कम होगा ना ज्यादा होगा, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन केस में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? जीरो, ये भी बताया था। और चेंज इन एंथैल्पी आप अच्छी तरह से जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है, जब डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा एच भी क्या हो गया? जीरो। ना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना इंडोथर्मिक। और एंट्रोपी का चेंज आपको बता दें, ये पीछे बताया था, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होती है, और ये भी क्या होगा? यहां पर पॉजिटिव होगा। और आइडियल सॉल्यूशन केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां भी बताई थी, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड क्या होगा? इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बताई थी, अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन आपको लिखनी हो तो यही लिखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये बात याद रखिएगा, और आज ही के लेक्चर में आपको राउल्ट्स लॉ बताएंगे। चलिए, अब यहां से हम लोग समझ लीजिए सेकेंड नंबर लेक्चर पढ़ाते हैं, एक रैपिड रिविजन कराने के बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर लेक्चर पर आते हैं। और देखिए, सेकेंड नंबर लेक्चर की शुरुआत सही मानों में अब यहां से हो रही है, थोड़ा सा रैपिडली रिवाइज किया, आपको आइडियल सॉल्यूशन बताया, और एक नाम पीछे आया था, देखिए वेपर प्रेशर का नाम आया था। अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझिएगा। वेपर प्रेशर में देखिए, आप क्या करिए, किसी कंटेनर में एक लिक्विड ले लीजिए, कहीं पर भी एक लिक्विड है,
और देखिएगा उस लिक्विड में इवापरेशन तो होता ही रहता है, नेचुरल फिनोमेना है इवापरेशन, एक नेचुरल, वैसे भी आपको बताया था हमने इवापरेशन जो है एक नेचुरल फिनोमेना ऑफ लिक्विड है, आकर सेट एनी टेम्परेचर, आप गर्मियों में कपड़े धुलें या ठंडक में धुलें, दोनों मौसम में सूखता है, वो अलग बात है कि किसी में टाइम कम लगेगा किसी में ज़्यादा लगेगा। तो इवापरेशन देखिए यहाँ लिखा है इवापरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर वाइल वेपराइजेशन, जो अब इसमें डिफरेंस बताएगा इवापरेशन और वेपराइजेशन में, वाइल वेपराइजेशन अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पर होता है और जबकि इवापरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, ये नेचुरल फिनोमेना ऑफ लिक्विड है। और जब इवापरेशन, और देखिए जब ऊपर जाएगा वहाँ का टेम्परेचर अलग, वहाँ पर कंडेंसेशन होगा, यहाँ इवापरेशन, ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाए, देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इवापरेशन एंड कंडेंसेशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। याद रखिएगा जब इवापरेशन और कंडेंसेशन की इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है तो सरफेस ऑफ वाटर पर एक प्रेशर लगता है, कहलाता क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। और याद रखिएगा वेपर प्रेशर का आप डेफिनेशन आप समझ गए, कंडेंसेशन तो पता ही है, ऊपर जाकर जैसे आप बताइएगा घर में अगर कभी राइस या चावल आप बना रहे होते हैं तो भाप निकलती है, अगर आप उसको किसी ढक्कन से आप ढक दें किसी उससे तो बताइएगा, लिड से आपने किसी को ढक दिया तो बताइएगा ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो कंडेंस होने लगता है, जो वेपर है वो कंडेंस हो जाता है और कुछ वाटर की ड्रॉपलेट टाइप की निकलती हैं, यही है। तो याद रखिएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ये कहलाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर ये चैप्टर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर आपका वेपर प्रेशर पर बेस्ड होगा। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम, इसका मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, याद रखिएगा, या तो मोलैरिटी के या मोलैलिटी के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर्स ऑफ मोल्स अगर पर लीटर कहेंगे मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम है तो मोलैरिटी हो गया, नंबर्स ऑफ मोल्स अगर बताया पर केजी कहेंगे यानी नंबर्स ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया तो वो मोलैलिटी हो गया। तो याद रखेंगे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये बिल्कुल पक्का याद रखिएगा। और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, इसका मतलब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, यानी उतनी जल्दी वो लिक्विड बॉयल होगा। और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम के होता है। अब देखिए ये बात यहाँ पर आपके समझने की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वेपर प्रेशर क्या होता है, और ये हमने बता दिया वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से, मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेशन बता दिया। ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आपको वेपर प्रेशर, इवापोरेशन, कंडेंसेशन ये सब आपको बता दिया, वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से, इनवर्स बॉइलिंग पॉइंट से, और डायरेक्ट रिलेशन नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम से होता है। अब देखिए यहाँ पर चेक करिए, हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट्स लॉ। और देखिए दो तरह के राउल्ट्स लॉ होते हैं, एक होता है फार वोलेटाइल सल्यूट के लिए और एक होता है नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए। जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है वो तो आगे आप पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ होगा ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है फार वोलेटाइल सल्यूट, इसका मतलब आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सल्यूट और एक तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने देखा नहीं राउल्ट्स लॉ लिखा और खटाक से लिख कर चले, पूछा गया नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए उन्होंने लिख दिया वोलेटाइल सल्यूट के लिए, बाहर आकर कहा अरे भाई मेरा तो सब सही राउल्ट्स लॉ पूरा सही हो गया, घर जाकर मिलाया तो गड़बड़ हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, एक होगा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सल्यूट, यहाँ पर हम लोग पहले इसी की बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल्स। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो बताएगा वेपर बना सके, ऐसा लिक्विड जो वेपर, लिक्विड तो नॉर्मली वेपर बनाता है, यानी ऐसा मटेरियल जो वेपर बना सके उन्हें वोलेटाइल सल्यूट कहते हैं। अब जैसे देखिए राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद राउल्ट्स लॉ आपको बताते हैं। जैसे एक कंटेनर ये लिया आपने, उसमें एक लिक्विड ले लिया प्योर लिक्विड ए ले लिया, दूसरा कंटेनर है उसमें प्योर लिक्विड क्या ले लिया बी ले लिया, फिर बताइए तीसरा कंटेनर है यहाँ पर इनको मिक्स कर दिया ए और बी को और यहाँ पर ए बी बन गया। देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है ए का जो नंबर सा मोल्स डिवाइड बाय पर यूनिट सिस्टम, यानी नंबर सा मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है एन ए डिवाइड बाय वी ए है,
और बी वाले का एन बी डिवाइड बाई वी बी है, और ये भी प्योर लिक्विड, ये भी प्योर लिक्विड, और इसका जो वेपर प्रेशर है पी ए नॉट है, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये पी बी नॉट लिखा हुआ, देखिए जहां पर सर्किल लगा रहे वो लिखा हुआ है। पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं, या वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी है इन लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई, लिक्विड फॉर्म में। और जब ये सोल्यूशन में बदल जाएगा तब इसका वेपर प्रेशर, देखिए पी ए और पी बी हो गया, ये बदल गया आप सोल्यूशन में, पी ए और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन फॉर्म। और एक्स ए और एक्स बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम क्या हो गया, एन ए डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी, क्योंकि दोनों वॉल्यूम आपस में मिक्स हो गए, और इसका बी वाले का क्या हो गया, एन बी डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी, क्योंकि दोनों वॉल्यूम आपस में मिक्स हो गए। यही ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तभी आप राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। ये राउल्ट्स लॉ नहीं है जो अभी आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर हमने यहां पर देखिए ये लाइन खींची, रेड लाइन खींची। कहा गया व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, याद रखिए ये राउल्ट्स लॉ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट को आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर मिल्क या दूध गर्म कर रहे हैं, और बाय चांस दूध उबलने वाला है, बहुत तेजी से उबलने वाला है, मिल्क आपका उबल रहा है, आपने सडनली कोई भी चीज वहां पर नमक है, साल्ट है या शुगर है आपने डाल दिया, थोड़ी देर के लिए वो उबलना बंद हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है गैस को सिम करने के लिए या गैस को बुझाने के लिए। तो देखिए आपने जैसे बाहर से कोई चीज उस पर बाहर से कोई चीज मिलाई, शुगर मिलाया या साल्ट मिला दिया, कोई भी मिला दिया, साल्ट मिला देंगे बड़ी मार खाएंगे, लेकिन बताइए मान लीजिए शुगर मिला दिया आपने, बस खाली ये देखना था कि हमारा जो मिल्क है वो बाहर ना गिरे, उबल ना पाए, तो देखिए उसका उबलना थोड़ी देर रुक गया। ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने बाहर से कुछ ऐड किया तो वो लिक्विड पहले प्योर फॉर्म में था, अब वहाँ सोल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। देखिए यही तो लिखा है ना, प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सोल्यूशन इज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका मतलब वो थोड़ी देर बाद उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और ऐसा नहीं कि इसका कोई रीजन नहीं है, आगे इसका रीजन सुनिए जो यहां लिखा नहीं हुआ है वो हम बता देते हैं। जब भी प्योर सॉल्वेंट को आप बताइएगा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर सा देखिए, पहले नंबर सा मोल्स पर यूनिट सिस्टम, मतलब एक तरह से मोलरिटी ये देखिए है, एनए डिवाइड बाई वी ए, इसकी क्या है बी वाले के एन बी डिवाइड बाई वी बी है। अब जब मिक्स कर दिया तो ए का हो गया एन ए डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी, यानी नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम पहले वाले से क्या हो गया, यहां पर डिक्रीज हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम ए का हो या बी का हो, अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर आप समझ गए वेपर प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम से, वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब एक बात जो यहां पर आपको समझने वाली है वो ये है कि पी ए नॉट जो होगा आपका, पी ए नॉट वो आपका ग्रेटर देन पी ए होगा, और ठीक है, और पी बी नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, पी बी होगा। याद रखिएगा प्योर कंडीशन में, प्योर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, देखिए प्योर कंडीशन में पी ए नॉट है और ये क्या है, पी बी नॉट है, प्योर कंडीशन में ज्यादा है और सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये मान लीजिए 101 है तो ये 100 होगा, तो याद रखने वाली बात है। देखिए अब इसको यहां पर हम इरेज करते थे, लेकिन ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, यहां पर लिखा नहीं हुआ है और यहां पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आप इसको कहीं कॉपी पर या उसी के आगे कहीं नोट्स में जब आप नोट बनाएंगे तो नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग ने यहां पर मिटा दिया है। याद रखिएगा पी ए नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन पी ए होगा और पी बी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन पी बी। ऐसा क्यों, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इसका मतलब पी ए और पी बी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कंडीशन में जो है पी ए नॉट और पी बी नॉट से क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर राउल्ट्स लॉ की बात ये की जा रही है, राउल्ट्स लॉ की बात यहां पर की जा रही है, और ये भी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर किसके लिए है, वोलेटाइल सॉलिड, क्योंकि दोनों हमने लिक्विड लिया था, दोनों वेपर बनाएंगे तो ये वोलेटाइल के लिए, इसमें कोई हमने सॉलिड तो लिया नहीं है, दोनों लिक्विड लिया है, तो देखिएगा ये वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। देखिए दोनों को दोनों लिक्विड लिया है, लिक्विड सॉल्यूशन भी बना है। देखिए क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब इसका मतलब पीए जो हो गया
चेक करिए, जो पीए हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, यहां पर एक्से के हो गया, एक्से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एक्स बी, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो याद रखिए यही राउल्ट्स लॉ है, किसके लिए बताएगा, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहेंगे। यहां पर आप दोनों में से एक तो सॉल्यूट लेंगे ही लेंगे, अब आप चाहे जो कम अमाउंट में उसी को आपने यहां पर सॉल्यूट ले लिया, चाहे इसको सॉल्यूट ले लिया, चाहे इसको ले लीजिए, जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट ले लेंगे, तो आपका वोलेटाइल सॉल्यूट तो है। तो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा। अगले पेज पर चलते हैं और इसके बारे में और डिटेल में यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, और देखिए अब आपको पीछे बताया था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। इसका मतलब जो था यहां पर पीए जो था, पीछे यही बताया था, पीछे वाले पेज पलट कर देखिएगा क्या बताया था आपको, पीए जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एक्सए के था, और पीबी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, यहां पर एक्सबी के था। ये पीछे पलट कर देख लीजिएगा, ये बताया था। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर पीए नॉट एक्स यानी ओरिजिनल वाला आ जाएगा। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तुरंत बताइएगा यहां पर ओरिजिनल वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर बताइएगा क्या हो जाएगा, पीए जो हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए नॉट एक्स ए, और पीबी क्या हो जाएगा, पीबी नॉट और एक्स बी हो जाएगा। देखिएगा यही यहां पर आ जाएगा, देखिए ये आया भी है, पीए इक्वल टू क्या हो गया, पीए नॉट एक्स ए, और ये देखिए पीबी इक्वल टू पीबी नॉट, क्योंकि ओरिजिनल से ही जो अब फ्रैक्शन तो ओरिजिनल से ही आएगा ना, पहले वेपर प्रेशर 100 है, अगर मान ली एक्स ए 1/4 आ रहा है तो 25 हो गया, बाकी दूसरा 75 हो गया। अच्छा अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो छोटा थोड़ा लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखा, PT इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA प्लस PB। अब PA की जगह पर क्या रख दिया, PA नॉट XA, और PB की जगह पर रख दिया PB नॉट XB। देखिए PT हो गया यहां पर PA नॉट XA प्लस PB नॉट, ये टोटल प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। एक बात और बताएं, अगर किसी ने कह दिया कि आप इस फार्मूले में जो लिख रहे हैं इसमें बताइएगा XB गायब हो जाए, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मोल फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, XA और प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है इक्वल टू क्या होता है, 1 के होता है, क्या होता है भाई, 1 के होता है। ये अच्छी तरह से आप लोग बताइएगा, 1 के हो गया तो यहां से चेक करिए, अब यहां पर हम लोग रखते हैं और देखिए यहां पर पी टी ये रखा, पी ए नॉट एक्स ए, और बताइएगा पी बी नॉट एक्स बी होता है, एक्स बी की जगह पर 1-x से रख दिया, इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिया, पी बी नॉट को इधर ले आए और यहां से एक्स से कॉमन ले लिया, पी ए नॉट मारी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर करने में, वैसे यहां पर भी क्वेश्चन आता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि फार्मूले में आप बताइएगा पहले वाले में एक्स बी गायब हुआ था, अब एक्स से गायब हो जाए, तो अब हम लोग देखिएगा फार्मूले में एक्स से की जगह पर क्या रख देंगे। देखिए छोटा सा यहां पर रखा है, एक्स से की जगह पर 1-x भी रख दिया, फिर ओपन करिए, पी ए नॉट यहां ले आइए, यहां से एक्स बी कॉमन हो जाएगा, फिर से उसी तरह का फार्मूला, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आया, यहाँ देखिए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यहाँ पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यहाँ पर एक्स ए और यहाँ पर एक्स बी। ये दोनों फार्मूले अपने से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं एक्स ए को एक्स बी के टर्म में और एक्स बी को एक्स ए के टर्म में आप निकाल सकते हैं, मतलब एक्स ए के टर्म में भी निकाल सकते हैं और एक्स बी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए डाल्टन का जो लॉ है, डाल्टन का लॉ समझिएगा, डाल्टन का लॉ क्या है, देखिए आपने जो यहां पर ला लिया था वहां पर आपने ये नहीं देखा था कि जैसे लिक्विड कोई लिया और वो बताइए लिक्विड नॉर्मली आप बताइए कपड़े भी अगर धुलते हैं तो अपने आप इवेपोरेट भी होता है, यहां इवेपोरेशन को नहीं देखा गया था पीछे के जो राउल्ट्स लॉ में लिया था, यानी हम लोग लिक्विड की खाली बात करते थे, वो लिक्विड अगर कुछ पार्ट उसका इवेपोरेट होकर वेपर में चला जाए उसकी बात नहीं करते थे, डाल्टन ने उसकी बात उससे रिलेट किया लिक्विड को। अब मान लीजिए आपने ए बी सोल्यूशन लिया था और ऊपर जरा बताइएगा कुछ पार्ट इसका ए बी में चला गया, मतलब ये वेपर के फॉर्म में चला गया, अब इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए डैश और इस बार क्या हो गया एक्स बी डैश हो गया। याद करिए एक्स ए और एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज था, और एक्स ए डैश और एक्स बी डैश क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन किस फेज में, वेपर फेज में। तो क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, सुनिएगा ये बात बहुत ध्यान से, देखिए ये बहुत ध्यान सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक तो लिक्विड फेज में
और एक बताइएगा वेपर फेज में, वेपर फेज में डाल्टन ला से निकलता है और लिक्विड फेज में राउल्ट ला से निकलता है। और डाल्टन ने एक बताइएगा ये बताया था पार्शियल प्रेशर, ये अच्छी तरह से आप लोग जानते भी होंगे गैसेस के लिए या वेपर के लिए, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और इंटू टोटल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन और इंटू टोटल प्रेशर। तो देखिए हमने पी ए रखा एक्स ए डैश यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हो गया, पी बी रखा एक्स बी डैश इंटू पी टी हो गया। अब पी टी मतलब टोटल प्रेशर, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश जान रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है इन वेपर फेज में है। आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा वन, और एक्स ए डैश और प्लस एक्स बी डैश भी वन होगा। इससे हम लोग इसको रिलेट करना चाहते हैं लिक्विड फेज से, तो एक्स ए की जगह पर आप क्या रख सकते हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने फार्मूला बताया था आपको, पी ए इक्वल टू क्या बताया था आपको, पी ए नॉट एक्स ए। इसी तरह से बताया था आपको पी बी इक्वल टू बताइए क्या बताया था, पी बी इक्वल टू क्या बताया था, पी बी नॉट और एक्स बी। ये आपको याद होगा, ये हम लोगों ने कहा ये आपको याद होगा, अभी पीछे तुरंत जल्दी बताया। तो एक्स ए की जगह पर क्या रख दिया, पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट, और एक्स बी की जगह पर क्या रख दिया, पी बी डिवाइड बाई पी बी डिवाइड बाई पी बी नॉट। और पी ए की जगह पर देखिए ऊपर से यहाँ रख दिया पी ए एक्स ए डैश इंटू पी टी, और पी बी की जगह पर एक्स बी डैश इंटू पी टी। यहाँ से पी टी कॉमन हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया जो लिक्विड फेज और वेपर फेज को आपस में रिलेट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ लिया, और साथ साथ हमने वेपर फेज में भी देख लिया कैसे निकालना होता है। इस तरह से देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, इसके अलावा वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। देखिए ये पूरा पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने देखिए इस लेक्चर में क्या पढ़ा, और हम लोगों ने यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के बारे में जाना पूरी तरह से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो राउल्ट्स लॉ से रिलेट करता है लेकिन राउल्ट्स लॉ नहीं है, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ये बताया था। राउल्ट्स लॉ भी बताया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, ये भी आपको बताया। और हमने राउल्ट्स लॉ के फार्मूले को भी यहाँ पर बताया, कैसे फार्मूला जरा बताइएगा, जो लिक्विड फेज में क्या होता है ये आपको पूरा बताया, और वेपर फेज में डाल्टन ने कैसे बताया था इसको रिलेट करके, यानी एक्स ए एक्स बी की बात भी बताया, और एक्स ए डैश और एक्स बी डैश की बात बताया। ये दूसरा लेक्चर सॉल्यूशन का है, पहला लेक्चर हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, दूसरा भी ये वीडियो लेक्चर है, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है हम सामने नहीं आ रहे, हमारी आवाज़ ही आ रही है, लेकिन दोनों तरीका बहुत बढ़िया है, आपको कहीं भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड, यानी राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रिलेटेड हम लोग कम से कम 3 क्वेश्चंस कराएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वो तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो 3-4 क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद जो हम लोग पहला केस अभी पढ़ा है, याद करिएगा सिर्फ पहला केस पढ़ा है, और ये देखिएगा आपको पीछे से हम लोग जरा बताते भी हैं फर्स्ट नंबर केस क्या था, यही फर्स्ट नंबर केस हम लोगों ने पढ़ा है, और देखिएगा फर्स्ट नंबर केस था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यही हम लोग पढ़े। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग केस नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस निकालेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वो हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में केस सेकंड और केस थर्ड पढ़ेंगे, केस फर्स्ट को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम लोग लगा देंगे। फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। फिर हेनरीज लॉ, आपको एक बात बता दें, अगर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और पढ़ लें आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, किसी नीट एग्जाम का हो, आईआईटी का हो, कहीं का भी फंसेगा नहीं। बस एक बार जैसे बता रहे हैं पूरा दिमाग में रख लीजिए, ये समझिए यही हमको पढ़ना है और यही हमको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे वहाँ भी पढ़ते थे या कहीं, देखिए बाहर के बच्चे तो लगातार फ़ायदा उठा रहे हैं, वो खूब पढ़ रहे हैं। देखिए आप देखिए एक ही दो दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, 200 के करीब व्यू हो जा रहे हैं, तो बाहर के बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने वहाँ के बच्चे थोड़े लापरवाह हैं। और अभी हम लोगों ने नया एडमिशन, क्योंकि COVID-19 की वजह से हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, वरना बहुत सारे बच्चे नए आ जाते हैं, वो भी पढ़ते हैं, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, हर तरह की पढ़ाई से फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जम कर पढ़िए और पूरा लगातार पढ़िए, सारे लेक्चर पढ़िए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर पढ़िए, और बाकी जब सर लोग आ जाएंगे तो और बायो के भी, और इसके अलावा मैथ्स के भी लेक्चर डालेंगे। अभी वो लोग फंसे हुए हैं अपने अपने घर पर,
तो वहां से वो डाल नहीं सकते, वहां से बना नहीं सकते, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो साधन नहीं है बनाने का। तो जब वो आ जाएंगे तो उनका भी हम लोग लेक्चर डालेंगे, बाकी कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग आकर पढ़िएगा। यहाँ के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए, बाहर मत निकलिए, खूब पढ़ाई करिए। किसी तरह का कन्फ्यूजन हो जरूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, क्वांटम के ऐप पर भी पूछ सकते हैं, जहां भी दिक्कत हो आप पूछ जरूर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।